दोस्तों, मैं जीशान आर्य और आप देख रहे हैं जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में बताएंगे कंप्यूटर कोर्स जो होता है साइबर सिक्योरिटी, तो उसके बारे में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कैसे आप फ्री में कर सकते हैं और फ्री में सर्टिफिकेट ले सकते हैं CSC के माध्यम से। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि BCC का कंप्यूटर कोर्स कैसे करें, कैसे सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करें, ऑनलाइन कैसे एग्जाम दे, सारा चीज़ मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए, समय न गंवाते हुए फ्री में कंप्यूटर का कोर्स जो है साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एग्जाम दे, कैसे सर्टिफिकेट लेते हैं बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपके पास CSC होना ज़रूरी है। अगर आपके पास CSC नहीं है तो आप नज़दीकी CSC केंद्र पे जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखिए, मैंने CSC पोर्टल लॉगिन कर चुका हूँ। CSC पोर्टल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है, तो इसमें आपको सर्च करना है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको बैंकिंग बैंकिंग को तो आपको बैंकिंग नहीं सॉरी बैंकिंग नहीं यहाँ पे एडुकेशन जो है एडुकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडुकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तक आएगा, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज CSC एकेडमी के द्वारा। तो यहाँ पे आपको करना क्वेश्चन सिंपली से क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर कोर्स की ये वेबसाइट खुल जाएगी, CSC Academy.org। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन यहाँ पे आपको सेंटर करना है। ठीक है, तो आप सेंटर चला रहे हैं तो आपको सेंटर का लॉगिन करना है, एडमिशन यहीं से होगा। जिस सेंटर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कहेगा आपने CSC को लॉगिन कीजिए, CSC से लॉगिन करना होगा आपको। तो जैसे यहाँ पे CSC से लॉगिन किया, यहाँ पॉपअप दिखा रहा है, तो यहाँ पे अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने BCC का एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया था, एग्जाम देके पास करवाया था, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने एक साइबर सिक्योरिटी का भी अप्लाई किया था। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं फिर से एक अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइबर सिक्योरिटी के कोर्स है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है, तो जो भी कोर्स करना चाहिए कर सकते हैं। सभी में पेमेंट लगेगा, लेकिन अभी साइबर सिक्योरिटी में चार्ज नहीं लग रहा है। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एड स्टूडेंट, एड स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फॉर्म है, यहाँ पर कह रहा है यूजर टैप, यानी कि कौन मतलब कि ये कोर्स करना चाहता है, VLE करना चाहता है या कोई स्टूडेंट करना चाहता है। जिसके नाम से ID जो VLE है वो कभी वो भी कर सकते हैं, और कोई स्टूडेंट के भी ये वो करवा सकते हैं, जितना हो सके वो करवा सकते हैं। तो जो भी कौन कर रहा है यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे, VLE खुद का कर रहा है या किसी स्टूडेंट का कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल VLE सिलेक्ट करेंगे, VLE सिलेक्ट करेंगे या स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, आपको फॉर्म सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम देना है, फुल नेम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना, जो भी डेट ऑफ बर्थ वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे कैलेंडर से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है आपका जेंडर क्या है, जेंडर मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपका एरिया पूछेगा, रूरल एरिया अर्बन। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका स्टेट पूछेगा, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा पता एड्रेस पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 9th 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैं पहले फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी देंगे, एक स्टूडेंट भी एक ही मोबाइल नंबर एक ही ईमेल आईडी लेगा। तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और यहाँ पे एक लिंक दिया, इस लिंक पे आपको लॉगिन करना होगा। यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप BLE के कर रहे हैं तो BLE का वहाँ पे चार्ज कटेगा, अगर आप किसी स्टूडेंट का कर रहे तो स्टूडेंट का फ्री में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन हो गया है, यहाँ पे शो भी कर रहा है पूरा चीज। तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया, इस लिंक को कॉपी करेंगे, इतना ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह दिखेगा, और ये लिंक भी हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिए थे हम रजिस्टर करते बाद वो देंगे, और जो पासवर्ड मोबाइल नंबर दिए थे वो हमें यहाँ पे एंटर कर लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको आपका फादर का नाम या मदर का नाम किसी एक का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, फुल नेम। तो यहाँ फिलअप कर लेते हैं पहले हम, यहाँ फादर का नाम देने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है डाटा अपडेट हो चुका है, प्लीज़ लॉग इन अगेन। डाटा अपडेट हो चुका, फिर से लॉग इन करना है, फिर से ईमेल आईडी पासवर्ड देके साइन इन पे क्लिक करेंगे, फिर से लॉग इन करेंगे, ये लॉग इन हो चुका है। यहाँ पे आपका डिटेल रहेगा, यहाँ पे आपका यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन कब की है वो डेट रहेगा, आज मैंने 30 मार्च को किया है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको लंच कोर्स है, तो यहाँ पे लंच कोर्स के नीचे में स्टार्ट नो है,
तो स्टार्ट नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है आप किस लैंग्वेज में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हिंदी कर लेना होगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मॉड्यूल मिलेंगे 10 मॉड्यूल, एक एक करके आपको सभी मॉड्यूल में कोर्स पढ़ना मतलब कि समझना है। तो मॉड्यूल को 1 को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर भी कुछ मॉड्यूल है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो एक चालू हो चुका है, इस वीडियो को आपको सुनना होगा, यहाँ पे 5 मिनट का वीडियो, इसी तरह आपको सभी वीडियो को सुनना होगा, उस वीडियो की मदद से आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का यहाँ पे वीडियो आपको दिखाएगा। राजेश परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं नंदिता मैम, आपने जो फाइल्स मुझे फॉरवर्ड की थी उनको चेक करने के लिए अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया, देखा तो सारी फाइल्स गायब थी, केवल वही नहीं, लगा जैसे कुछ और फाइल से भी छेड़छाड़ की गई है। साथ ही मेरी कुछ और एप्लीकेशन भी सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तब तो किसी ने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया है। हैक? इसका क्या मतलब है नंदिता मैम? इसका मतलब है गैर कानूनी तरीके से साइबर स्पेस के जरिए तुम्हारे कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया है। साइबर स्पेस, ये किसे कहते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, हमें जो कुछ भी असंभव लगता है उसे साइबर स्पेस के जरिए संभव बनाया जा सकता है। तो पहले मैं तुम्हें साइबर स्पेस के बारे में बताती हूँ, जिससे तुम समझ सको कि हैकिंग किसे कहते हैं। इसी तरह का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब कि आपको एक तरह का ऑनलाइन ये क्लास हो गया, इस तरह आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाता है किस तरह साइबर सिक्योरिटी होता है, साइबर फ्रॉड होता है, किस तरह आपके सिस्टम को हैंग किया जाता है और किस तरह उससे बचा जाए, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे सभी मटेरियल को आपको पहले पढ़ना होगा, आपको इसी तरह सभी में पढ़ना है, सभी मॉड्यूल में 10 में, तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसी सभी में मैं एक एक करके क्लिक करके सभी का ट्रेनिंग लेना होगा आपको। इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा, कहाँ पे कैसे बचा जा सकता है, कैसे क्या क्या जाएगा जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा। तो इसी तरह जब सभी मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लेंगे तो वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री में है। अगर आप BLE करेंगे रजिस्ट्रेशन खुद का तो वहाँ पर उनको चार्ज देना होगा, अगर वह स्टूडेंट बन के करेंगे तो वहाँ पर उसको कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर स्टूडेंट को ही सेलेक्ट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन में। इस तरह जब आपका मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सभी पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा, तो चलिए अब एग्ज़ाम पे कैसे देंगे, ये तो आपको ऑनलाइन क्लास है, जब आप पढ़ाई कर लिए कंप्लीट तो फिर से यहाँ पर डैशबोर्ड पर आएंगे, ठीक है। जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, पूरा मॉड्यूल को आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे स्टार्ट नो बटन है, स्टार्ट नो बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 मॉड्यूल वहाँ पे पढ़ाया गया था और 10 मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हर मॉड्यूल में यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट मॉड्यूल को आपको एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लॉक आइकन है ताला जो खुला हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ पे स्टार्ट टेक्स्ट नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, प्रिंटर के आकार और मूल्य में विभिन्नता होती है, सही या गलत ये देना होगा। यहाँ पे अपना इस में यहाँ पे सही लगाया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना, आपके क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऑप्शन आएंगे, जो भी सही ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं फटाफट 25 क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। उसी तरह आपको एग्जाम देना है, यहाँ पे 25 मार्क का एग्जाम है जिसमें 15 मार्क इनका आ चुका है, 15 मार्क इन्हें आ चुका है, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे मॉड्यूल का लॉक यहाँ पे खुल चुका है, दूसरे मॉड्यूल का एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह आप सभी को 10 का 10 एग्जाम देना है, ठीक है। सभी को पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम देने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा कितना मार्क आया,
25 में 15 आया, 10 से प्लस होना चाहिए पास होने के लिए। हर मॉड्यूल में 10 से प्लस होना चाहिए पास होने के लिए। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। इसी तरह आपको सभी को कंप्लीट कर लेना, सभी में आपको 10 से प्लस मार्क लाना होगा, तब आप पास हो जाएंगे। जब आप पास हो जाएंगे यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखा देगा, उसके बाद यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक गेट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। गेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, और फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेजफुल जानकारी के साथ।